मदर डे डाला है मलाई बेसन मिठाई, वो भी जन्माष्टमी के लिए है। बहुत बढ़िया सी और सॉफ्ट ऐसे बहुत टेस्टी लगती है। और उसके लिए जो सामग्री जो घर में ही होते हैं उसी में से हम बनाते हैं। कल जन्माष्टमी है तो आज हम मिठाई बना रहे हैं। और मिठाई के लिए जो जो सामग्री लगती है वो है, ये मैंने चने का आटा ददरा घर पे पीस लिया था। अब इसमें इस ददरा आटा नहीं होगा तो आप प्लेन आटा भी ले सकते हो। ये दूध में मैंने केसर डाल के कलर के लिए मैंने यूज़ कर लिया है। घी, ये मलाई है मैंने वो जमा के रखी है, उसे हम आटा गूंथेंगे। और ये आई थिंक शुगर। अभी हम पहले जो आटा हमने लिया है एक बाउल से भी थोड़ा कम है वो ले लिया है। अभी हम पहले थोड़ी मलाई डालेंगे, इसे हमें आटा गूंदना है तो इसे एडजस्ट करते जाएंगे। जितनी भी हमें मलाई यूज़ होगी उसी से हम उतना बनाएंगे। मलाई से हमने अच्छी तरह से आटा गूंथ लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से मलाई का ये घी भी हाथ में लग रहा है। हमने इतना जितनी ली थी उसमें से इतनी मलाई बची है। अभी इसे 5 मिनट रेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। कढ़ाई हमने रख दी है, अभी हमने जो गोला बनाया है उसे थोड़ा अलग अलग करके हम डाल देते हैं। पहले उसमें घी नहीं डालेंगे, घी की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो 1/2 टेबल स्पून या 3 स्पून जितना। इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पे इसे सेकेंगे। अभी तक हमने इसमें घी बिल्कुल भी डाला नहीं है। जब ऐसा लगता है कि हमें घी की ज़रूरत है अभी हम इसमें घी डालेंगे। अगर लगेगा अभी तो थोड़ा एक आध चम्मच जितना ही लगेगा, ज़्यादा नहीं। और ये धीमी आंच पे ही हम उसके सेकेंगे। जब तक उसकी अच्छी तरह से खुशबू ना आए तब तक हम उसके अच्छी तरह से सेकेंगे। पूरा हमारा दानेदार जैसे आटा हो रहा है तो इसमें हम एक आधा चम्मच जितना घी डालेंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल धीमी आंच पे खुशबू आने तक हम इसे पकाएंगे। देर लगेगी इस पर, बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जन्माष्टमी की मिठाई बनेगी। अभी इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पका रहे हैं। इस तरह से अच्छी तरह से खुशबू आ रही है। अभी इसमें हम बादाम और काजू का पाउडर डालेंगे। इसमें 1 चम्मच और घी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी घी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और जो हमने केसर का दूध बनाया था वो भी इसमें ऐड इसे 2 मिनट और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें कि हमारी जो शक्कर हमने डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी जो हमने घी डाला था अभी और उसके पहले 1/2 चम्मच इतना घी डाला था और उसको ये भी हमने जो आटा गूंथा था वो मलाई में किया था। अभी आप देख सकते हो कि जब मैंने शक्कर डाली है तब वो पूरा घी ऊपर आ रहा है इस तरह से। बिल्कुल भी कढ़ाई को चिपका नहीं है तरह से। अभी
गैस को बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल देते हैं, ताकि इसे इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चेक कर देते हैं। हमने एक थाली में इसे, जो थाली में हमने ग्रीस किया था इसे, उसमें निकाल लिया है। अभी इसे सेट कर देते हैं। पिस्ता लगा देते हैं। पहले पिस्ता को हम अच्छी तरह से डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अभी हमें इसे टोटली पूरा ठंडा करना है। ठंडा कवर करने के बाद हम इसे पीस करेंगे। आप इस हार्ट शेप से भी कर सकते हैं, या फोल्ड करना है तो इसी तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करना है और दबा देना है इस तरह से। इस तरह से हम सब बना लेते हैं। मिठाई हमारी रेडी हो गई है, अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी सॉफ्ट सी रेसिपी जन्माष्टमी की मिठाई तैयार हो गई है। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया सी लग रही है और एकदम सॉफ्ट है। मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि कितना सॉफ्ट है, मुंह में घुल डालते ही घुल जाए इतनी सॉफ्ट। जन्माष्टमी में मिठाई बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।